आज जनता कर्फ्यू का देश पूरी तरीके से समर्थन कर रहा है। ये खाली पड़ी सड़कें ये बताने के लिए काफ़ी है कि जनता आज अपने घरों में है। कोरोना को मात देने के लिए जनता ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है, सरकार का पूरा समर्थन है, प्रधानमंत्री की अपील का असर है। और अब योगी आदित्यनाथ ने भी जिस तरीके से साफ शब्दों में कह दिया है कि आगे भी देश तैयार रहे, उत्तर प्रदेश खासकर तैयार रहे, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही है कि आगे भी देश तैयार रहे जनता कर्फ्यू के लिए, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए हमें घर पर रहना होगा, कम से कम मुलाकात करनी होगी, अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। आखिरकार योगी ने क्या कुछ कहा, वो आगे आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। सारे प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है, छूत की बीमारी है, एक दूसरे के साथ संपर्क से ये बढ़ सकती है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से यह बीमारी और लोगों में फैल सकती है, इसलिए आवश्यक है कि हम सोशल डिस्टेंस बना करके रखें, बार बार हाथ धोने और अन्य जो भी सुझाव डॉक्टरों के द्वारा दिए जा रहे हैं, चिकित्सकों और विशेषज्ञों के द्वारा दिए जा रहे हैं, उन सब का हम ध्यान रखें, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसी दिशा से आज ये जनता कर्फ्यू का आह्वान देश के 130 करोड़ जनता को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं आह्वान करूंगा जनता कर्फ्यू में हर नागरिक अपनी सहभागिता दर्ज करते हुए अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वहन करें। प्रदेश सरकार ने इसके लिए एहतियातन सभी कदम उठाए हैं। कोरोना वायरस के बचाव की दिशा से हम जितनी सावधानी बरत लें वो अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। जो लोग इस संक्रमण की चपेट में आए थे, प्रदेश में यह संख्या कुल 27 थी, जिनमें से 11 पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं, शेष सभी लोग स्टेबल हैं, तेजी के साथ उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम यह संख्या किसी भी स्थिति में न बढ़ने दें, और इसके लिए हमें जनता कर्फ्यू जैसे कार्यक्रमों के लिए तैयार रहना होगा। एक तरफ मैं उन सभी पूरे प्रदेशवासियों का आह्वान करूंगा कि हम इस अभियान का हिस्सा बने, दूसरी तरफ जो हमारी टीम लगी है, चिकित्सकों की, पैरामेडिकल की, स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों की, SDRF, NDRF, सेना, अर्धसैनिक बलों के जवानों की, पुलिस बल के जवानों की, प्रशासन के जुड़े हुए विभिन्न विभागों से जुड़े हुए जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं, इनके द्वारा जिस तरीके से फ्रंट फुट पर आकर के इस लड़ाई को लड़ने की कार्रवाई की जा रही है वह अभिनंदनीय है। मैं साथ ही साथ जनता से अपील करूंगा कि वे इससे घबराएं ना, बल्कि इसके खिलाफ लड़ें। सरकार पूरी तरह उनके साथ में है।